नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कैसे साउथ ईस्ट में अगर नीला रंग हो या टॉयलेट हो तो कैश लिक्विडिटी की समस्या भी आ सकती है और बनती बनती डील्स भी कैंसिल हो सकती है। हाँ, ये दोनों चीजें साउथ ईस्ट की इम्बैलेंस की वजह से होती है। केबी कहते हैं कि साउथ ईस्ट यानी जो आपका अग्नेय कोण जिसे आप कहते हैं वो होता है फायर एलिमेंट का, और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। जैसे ही आग पर पानी पड़ेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। बस ऐसा ही कुछ होता है साउथ ईस्ट में नीला या काला रंग करने से। और साथ में अगर वहां पे टॉयलेट हो या सिर्फ टॉयलेट भी हो, जो कि आपकी डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है, यानी कि जो चीजें जरूरत की नहीं है उसे बॉडी से बाहर निकालने की एक्टिविटी, या डस्टबिन भी डिस्पोजल की एक्टिविटी मानी जाती है, अगर ये दोनों भी हो तो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है कि हमें कैश की कोई जरूरत ही नहीं, और वो उसे डिस्पोज ऑफ करने लगता है और डील्स को भी, बनती हुई डील्स को भी पूरा नहीं होने देता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मेरे क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया। हुआ यूं, जब से नए ऑफिस में आए हैं ना, पता नहीं क्यों क्लाइंट्स आते हैं, सारी बात करते हैं, उन्हें हमारी कोट की हुई अमाउंट ही रीजनेबल लगती, पर जैसे ही ऑफिस से बाहर जाते हैं वैसे ही मामला ज्यों का त्यों, वो वापस आते ही नहीं, ना काम आता है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाल ही में 2 प्रोजेक्ट किए हैं, उनके भी जो पैसे थे वो भी अटक गए, अभी तक आए नहीं। वो CA फॉर्म थी तो बहुत परेशान थे कि सैलरी भी देनी है, ऑफिस का खर्चा भी है, न जाने अब ये सब कैसे होगा। मैंने उन्हें कहा कि फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ड्राफ्ट्समैन भेज देती हूँ, वो नक्शा बना के 1-2 रोज में मुझे दे देगा, उस पे वर्किंग करके फिर बात करते हैं। ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट डे मैंने अपना ड्राफ्ट्समैन भेज दिया, उसने शाम तक मेरे पास नक्शा भेजा। मैंने देखा कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने अपने क्लाइंट से फोन करके पूछा, क्या यहाँ पे ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई है इस बाथरूम में? उन्होंने हामी भरी। मैंने तुरंत उनसे कहा कि ब्लू कलर की टाइल्स को एक तो आपको पेंट कर देना है लाइट पिंक कलर में, और जो टॉयलेट है उसे ट्रीट कर दीजिए कॉपर की स्ट्रिप से, पर कॉपर की स्ट्रिप से पहले रेड कलर की पट्टी से भी ट्रीट करेंगे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। और जब मैंने उनका ऑफिस विजिट किया तो देखा कि उन्होंने अपने ऑफिस का बोर्ड जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में टांग रखा था, उसे शिफ्ट करा के मैंने वेस्ट की दिशा में लगाया। बस इतना ही किया, वो कहने लगे कि मैडम अच्छे से देख के जाइए ना, ऐसा ना हो कि आपको वापस बुलाना पड़े। मैंने कहा ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप 15 दिन या 21 दिन वेट करके तो देखिए, 21 दिन के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। 3 दिन हुए थे मुश्किल से और उनका सामने से फोन आया। मैंने सोचा कि हाँ, कोई ना कोई गुड न्यूज देने के लिए ही आया होगा। बहुत खुश थे, कहने लगे कि जो 2 प्रोजेक्ट्स थे जिनके पैसे अटके हुए थे उनके चेक आ गए हैं, और एक का तो चेक क्लियर भी हो गया है, दूसरे का अभी बैंक में डाला है। साथ में 2 डील्स और फाइनल हुई हैं, 3-4 लोगों से बात भी चल रही है। 10 दिन के बाद वापस फोन आया, कहने लगा कि मैडम आपने क्या कर दिया मैं नहीं जानता, मुझे और स्टाफ हायर करना पड़ रहा है, इतना डील्स फाइनल हो रहे हैं, इतना काम आ रहा है हमारे पास। दिल सच में बहुत खुश हो गया, ये ऑफिस सच में फक गया। कहां मैं सोच रहा था कि इस ऑफिस को छोड़ दूं, बल्कि किसी के पास जाके नौकरी ही करूं, और कहां अब दूसरों को नौकरी पर रखना पड़ रहा है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैंने कहा कि ऐसा ही चमत्कार होता है महावास्तु में। पूछने लगे कि इन सब का लॉजिक क्या है। मैंने साउथ ईस्ट का तो लॉजिक उन्हें बताया, साथ में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का भी बताया, ये कहकर कि वो जोन होता है डिप्रेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर वहां पे कोई चीज या कोई बंदा ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसे डिप्रेस स्टेट, जैसे डिप्रेशन की स्थिति नहीं होती वैसी हो जाती है। अगर ऑफिस का बोर्ड वहां पे टांगोगे तो काम बनेंगे नहीं, काम नहीं बनने की वजह से खुद तनाव में आ जाएंगे, इसीलिए वो बोर्ड वहां से शिफ्ट किया था वेस्ट की तरफ। वेस्ट जो है आपका प्रॉफिट्स और गेन्स का जोन। तो आप भी अपने घर में चेक कीजिए कि अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है कैश लिक्विडिटी से, तो कहीं साउथ ईस्ट में ब्लू कलर या ब्लैक कलर तो नहीं है, कहीं वहां पे टॉयलेट की
या डस्टबिन की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, बस उतना ही कर लीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।